नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की पुलिस अपने कारनामों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। पुलिस की एक और करतूत सामने आई है। स्वरूप नगर थाने के दो सिपाहियों को होम क्वारंटाइन किया था। दोनों सिपाहियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए स्पा सेंटर पहुंचे और संचालिका से छेड़छाड़ की। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों पर स्पा सेंटर में एक शख्स से धक्का मुक्की कर मारपीट करने का भी आरोप लगा है। शनिवार देर रात सिपाहियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। DIG प्रतिंदर सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। स्वरूप नगर थाने में तैनात दो सिपाही अंकित कुमार और सुशील कुमार की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। एक संक्रमित के संपर्क में आने की वजह से दोनों सिपाहियों को होम क्वारंटाइन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों सिपाही सिर्फ अधिकारियों की नजरों में क्वारंटाइन थे। शाम होते ही दोनों सिपाही मुंह पर मास्क लगाकर घूमते थे। जानकारी के मुताबिक आर्य नगर स्थित एक फेमस पास सेंटर है। बीते 28 जुलाई को दो सिपाही सादी वर्दी में स्पा सेंटर पहुंचते हैं। एक सिपाही स्पा सेंटर संचालिका को कमरे में ले जाता है और कुछ देर बात करने के बाद वो छेड़छाड़ करने लगता है। इसके बाद युवती सिर पर हाथ रख कर बैठ जाती है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक अन्य वीडियो में दो लोग स्पा सेंटर के अंदर किसी के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। सिपाहियों के इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जब ये वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया। DIG प्रतिंदर सिंह ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच SP वेस्ट अनिल कुमार को सौंपी है। दोनों सिपाहियों को होम क्वारंटाइन किया गया था। सिपाहियों ने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया है। फिलहाल SP वेस्ट इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।